नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में मकान मालिक ने काफिला रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को किया बेदखल। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां चोरहटा थाना अंतर्गत संचालित काफिला रेस्टोरेंट के मालिक राहुल पाटिल, जो की बजरंग सेना मध्य प्रदेश व्यापारी संघ प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि नरोत्तम पटेल निवासी निर्मल सिटी में एक रेस्टोरेंट का संचालक हूं, जिसका पता गुलहर मोड़ के पास बजाज एजेंसी के थर्ड फ्लोर पर है। मेरे यहां आज दिनांक 21 फरवरी 2023 को मेरे किचन के बाजू वाला स्टोर का दरवाजा खोलकर चोरी करने का प्रयास किया गया है। मामले की शिकायत थाना चोरहटा में दर्ज कराई गई है। आइए सुनाते हैं फरियादी की जुबानी। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। आपके रेस्टोरेंट में ताला वाला तोड़ने, मैं राहुल पाटीदार काफिला रेस्टोरेंट का मालिक हूं, और कुछ दिनों से ये जो मकान मालिक है वो परेशान किया जा रहा है। आज उसने सारे सीमाएं लांघ के मेरे कर्मचारियों को हटा के उसने दरवाजा तोड़ दिया। आज दरवाजे का वीडियो मैं आपको भेज दे रहा हूं। इस बाबत में मैंने चोरहटा थाना अवनीश पांडे जी TI साहब को आवेदन भी दे दिया है, पर अभी तक उनका कोई भी एक्शन नहीं आया है। मैं एक शहर का प्रतिष्ठित नागरिक हूं और मैंने बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य भी किए हैं, बट मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। कृपा करके चोरहटा थाना पुलिस प्रशासन SP साहब, ADG साहब मुझे न्याय दिलवाने का कष्ट करें। दुकान का ताला, दरवाजे तोड़ दिया पूरा। दरवाजा तोड़ने के बाद हमारे लड़कों को बाहर करके नीचे लिफ्ट बंद की कर दी गई है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं उसके, मेरे पास सारे कागजात हैं, कैमरा ऑडियो वीडियो दोनों मेरे पास हैं। आपने इसको घटनाक्रम थाने में सूचना दी, अवनीश पांडे जी ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, और मेरे कर्मचारी सब बाहर खड़े हुए हैं। मैं नाम और संस्थान का नाम बता दूं, काफिला कैफे रेस्टोरेंट, राहुल पाटीदार।